भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सांसद शंकर लालवानी की विशेष मौजूदगी में शुक्रवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ इंदौर में जंगी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तमाम मुद्दों पर सभी नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा। कमलनाथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे माफिया विरोधी अभियान से नाखुश भाजपा नेताओं ने कलेक्टर का घेराव और धरना प्रदर्शन रखा, जहां तमाम दावे सोशल मीडिया और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता करते नजर आ रहे थे कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे और सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध धरना देंगे, लेकिन भाजपा नेता भीड़ जुटाने में पूरी विफल नजर आए, जिसका असर बड़े नेताओं के भाषण में नजर आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के भाषण खत्म होते ही कार्यकर्ता कलेक्टर परिसर की ओर आगे बढ़े, जहां पुलिस प्रशासन पुख्ता बंदोबस्त किए मुस्तैद खड़ा था। धक्का मुक्की के बीच राकेश सिंह, शंकर लालवानी, रमेश मेंदोला सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद एक चल पड़ी बात, तो आज मुझे भी यहाँ आना पड़ा कि यह गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी सहन नहीं कर सकती है, और तुम्हें भी हम बताना चाहेंगे कांग्रेसियों, अरे इनको हुआ क्या है? मैं समझ में नहीं आ रहे, हम भी रहे सांसद, उस समय कभी कभी विपक्ष का भी राज था, कभी हमारा भी राज था। जिला योजना के बैठक में हम भी जाते रहे, हमारे ये विधायक बैठे जाते रहे, कभी विपक्ष के राज में उनका मंत्री बैठा हो, मगर फिर भी सांसद का था, वहाँ सांसद की कुर्सी जिला योजना में भी सम्मान पूर्वक रखी जाती है, नियम के अनुसार रखी जाती है, क्योंकि जिला योजना में सांसद भी उपाध्यक्ष के रूप में देते, उसका भी अपना एक सम्मान है, वो भी देना सीखो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। इंदौर में तो कम से कम आज तक ऐसा नहीं हुआ, मगर तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? अरे विपक्ष में अगर हम है तो हम जनता के लिए प्रश्न तो पूछेंगे, अगर जनता के काम नहीं हो रहे हैं, अगर योजना में कुछ गड़बड़ी है, तो प्रश्न पूछने का अधिकार जनप्रतिनिधि को है। और आप अगर बोलोगे कि बाहर निकल जाए या बाहर करूंगा, चुने हुए जनप्रतिनिधि को प्रश्न पूछने के आधार पर बाहर करने का अधिकार किसी को नहीं होता, मगर ये नए नए मंत्री बने हैं, ठीक है, अच्छा काम करो, लेकिन ये समझना पड़ेगा सही क्या है और गलत क्या है, और अगर इस तरीके से काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं सहन करेगी, ये दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आखिरी में एक बात और कहूँगी, सीएए की बहुत बातें होती है, ये कानून बनाया, इनको लगता है संविधान के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, नहीं होना चाहिए। पहली बात तो बताना चाहूंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं कि केंद्र को कौन से कानून बनाना, स्टेट को कौन से कानून बनाना, और उस अधिकार के तहत अगर केंद्र कानून बनाता है तो स्टेट वाले नहीं कह सकते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, केंद्र का अधिकार है। और कानून भी कब बना रहे हैं? जब उनको दो तिहाई बहुमत मिला है, जनता ने उनको यह अधिकार दिया है कि आप कानून बनाओ, बाकी तो सब आपको मालूम है, सालों साल से क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं केवल संवैधानिक बात बता रही हूँ। जनता ने दो तिहाई अधिकार दिया है, अगर तुम्हें कल दो तिहाई अधिकार मिला, जनप्रतिनिधि या जनता ने दिया, तुम उस कानून को निरस्त करना चाहते हो उस समय करो, मगर आज तो उन्होंने अधिकार के साथ दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती। हाँ, एक रास्ता आपको खुला है, ये प्रदर्शन करके कानून निरस्त नहीं किया जा सकता है, भारत में प्रजातंत्र इतना पक्का है, संविधान इतना व्यवस्थित है, हर एक को कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, हर एक के अपने अधिकार तय है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगी, अगर कुछ तुम्हें गलत लगता है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कोई बात नहीं, उसका विरोध नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। ये जिस तरीके से लोगों को भड़काने की बात होती है, भूले बिसरे नेता आ रहे हैं, तो परसों आई थी हमारी सुभाष चुनी थी, कोई थी मेरे साथ संसद में, अब इनका नामो निशान नहीं रहा है इनके पार्टी का, मगर भड़काने के लिए आ जाते हैं।
तो इस प्रकार से यह करने का किसी को अधिकार नहीं है। तू इस बात को समझ कि बाप बाप है, बेटा है, पोता पोता। तेरे में आज है उसके पास, तू तो एक ही विधानसभा से है, वो 8 विधायकों के ऊपर सांसद बनता है। अपनी हैसियत पहचान, अपने आप को पहचान और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को पहचान। और वो जो कौन आदमी महेंद्र सिंह सोलंकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, मजिस्ट्रेट है, जज था, न्यायालय में काम कर जज था, न्यायाधीश था, उसे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ने प्रभावित किया। अपनी जज की नौकरी छोड़ के देवास से लोकसभा का चुनाव लड़ा और देवास की जनता ने सिर आंखों पर बिठाकर उसे विजयी बनाकर सांसद बना दिया। वो व्यक्ति उसको तू कानून सिखा रहा है, उसको बैठने का स्थान बता रहा है। बेटे अगर वो कभी उस कुर्सी पे बैठा होता तो चप्पल उतार के उनके कमरे में खड़ा होना पड़ता। जीतू बाबू ये ध्यान रखना, उनसे कह रहे कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से चले जाओ, अपनी हैसियत को पहचानो। ये मंत्री ये विधायकी सब टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब समय की बात है। अभी सूरज तुम्हारे पे चमक रहा है लेकिन हम अंधकार में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे दिए जितने दिख रहे हैं, ये सूरज से मुकाबला करने को यहाँ पर तैयार खड़े हैं। आप सब इस बात के लिए तैयार रहें, आप सब इस बात के लिए अपने आप में मजबूत रहें कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और हम कमलनाथ की सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। वही इस दौरान बीते दिनों हुई जिला योजना समिति की बैठक में देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और मंत्री जीतू पटवारी के बीच हुए विवाद को भी मुद्दा बनाया गया, जहां सभी नेताओं ने मंत्री पटवारी और कांग्रेस के नेताओं की निंदा की। इस दौरान ताई ने कहा कि कांग्रेसी सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, वह भूल गए हैं कि वह भी विपक्ष में हमारे सामने ऐसी बैठकों में बैठे थे, लेकिन हमने कभी उनका अनादर नहीं किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था। अंत में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। FIR से और अत्याचार से डरने वाले नहीं है। इस कमलनाथ जी की सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बद्रीलाल यादव के बयान को किसे देखा? मेरा मानना है जो उन्होंने मुझसे कहा था, अगर उनके बयान का अर्थ गलत होता तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होता जो उनके खिलाफ कार्रवाई करता। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा कहने का आशय है कि जैसे कोई माँ अपने गोद में बच्चे को बैठाल कर कटोरी चम्मच से दूध पिलाती है, उसी तरह से ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कटोरी चम्मच से दूध पिला रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कहने का आशय ये था जिसको गलत अर्थों में लिया गया।